आपका फिर स्वागत है जीरो ऑयल किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं काचरा। जैसा पहले मैंने सिंगल काचरे की सब्ज़ी बनाई थी, और फली होती है गंवार फली, उसको मैंने बारीक बारीक काट रखा है, और काचरे को मैंने भी इसको भी अच्छे से स्लाइस में छोटे छोटे टुकड़ों में काट रखा है। और इसके लिए लिया है मैंने साथ में लहसुन, प्याज और अदरक का जो मैंने पेस्ट बना लिया है ये पड़ा है। और चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें गार्लिक रोस्ट करूँगा, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, चाहें तो गार्लिक नहीं भी ऐड कर सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस है। मैं हमेशा की तरह एक बार फिर कहूँगा, कोविड सिचुएशन चल रही है और ऐसा नहीं है कि सिचुएशन के दौरान ही अपने को साफ़ सफाई रखनी, हमेशा अपने को साफ़ सुथरा रहना चाहिए, हाथों को अच्छी तरह से साफ हाइजीन करेगा ही आप किचन में एंटर करें, उसके बाद ही आप खाना बनाएं। तो गार्लिक रोस्ट हो रहा है और अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा, आप देखेंगे चिटपिट की आवाज़ आ रही है, और हमारा जीरा बिल्कुल रोस्ट हो गया है, ये देखिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे काचरा, फलियां, और जो हमने पेस्ट बनाया था पहले, दोस्तों मसाला मैं ऐड कर लेता हूँ। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज अदरक और लहसुन का, तो इसमें ऐड कर लेते हैं। क्योंकि अपना बर्तन थोड़ा ज़्यादा हीट हो गया तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, ताकि अननेसेसरी वाटर के छींटे बाहर ना आए। अब इसको एक बार मैं अच्छे से लेता हूँ। मैंने अच्छे से हिला दिया इसको, और हमेशा की तरह इसको वापस से इसका लिड बंद कर दूंगा, और 10 मिनट का अपन टाइमर डाल देते हैं। 10 मिनट बाद हमारी वेजिटेबल बनके पूरी तैयार हो जाएगी, उसके बाद अपन चेक करते हैं। तो दोस्तों हमारी सब्ज़ी बनने के बहुत नज़दीक है, क्योंकि स्टीम अच्छा बना हुआ है, प्रॉपरली वर्क हो रहा है। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपके लोकेशन, आपकी लोकेलिटी, आपके एरिया की कोई भी वेजिटेबल या कोई भी रेसिपी अगर आपको सीखनी है, जाननी है कि मैं बिना तेल या घी के उसको कैसे बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आपको वो वीडियो आने वाले कुछ दिनों में ज़रूर मिल जाएगा। तो अभी 2 मिनट और बाकी है सब्जी पकने में, थोड़ा और वेट करते हैं 2 मिनट का। दोस्तों हमारी सब्जी आज बनके तैयार है, इसको थोड़ा हिला लेते हैं। आप देख सकते हैं कहीं से भी चिपकना वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है,
सब्जी का कलर आज थोड़ा ग्रीन ना होके येलोइश है। ऐसा इसलिए कि मैंने आज हल्दी का प्रयोग ज़्यादा किया है। आप देख सकते हैं मैंने हल्दी का ज़्यादा प्रयोग किया है। अब हम गार्निश करेंगे इसको धनिया से। दोस्तों धनिया में विटामिन ए और सी बहुत अच्छा होता है, ये भी अपनी इम्यूनिटी बहुत अच्छी करता है। तो आप धनिया का प्रयोग और जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं उनका प्रयोग रोज़ाना किया करें। ये आप देख सकते हैं इसका परफेक्शन। साथ ही मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि ये आप ही का चैनल है, और मैंने पहले ही बोला था कि आपको जो भी रेसिपी चाहिए आप कमेंट करिए। और अगर आप हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं बिना तेल और घी के सब्जी वगैरह वेजिटेबल जो भी रेसिपी है कैसे बने, तो आप अपने परिवार में अपने मित्रों से ये चैनल सब्सक्राइब कराएं, इसको लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक जल्दी से पहुँच जाए। दोस्तों मैं ऐसा हर वीडियो में नहीं कहता हूँ क्योंकि आपका चैनल है, हर व्यक्ति समझदार है, तो जैसा आप ठीक समझते हैं। तो आज की रेसिपी तैयार है, इसी के साथ ही आज का सेशन फिनिश हुआ हमारा।